धामनो टाइवर के बीच बहुत तेज पानी और यहाँ खड़े पंप के ऊपर क्या फंस गए हम पानी में। सारे भाई लोग फंस गए इधर। ये घर जाने की इतनी जल्दी है कि तो बेक पेड़ देखो भाई। घर जाने की क्या हो गए रे लो तुमको भी ले लिया ब्लॉग में भाई। मेरे घर के बाहर पब्लिक इकट्ठी हो गई है रूपाली को देखने के लिए। इसके फैन देख लो, ये इसके छोटे छोटे फैन। क्यों ये तेरे छोटे छोटे फैन हो ना के क्या तेरे से ओए ये क्या है काई? ये इतना सब काय को पैक कर रही। अच्छा गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सुबह सुबह उठने के बाद ही फोन हाथ में होता है रील्स देखने के लिए। इधर सब काम करके आने के बाद, घर के मतलब सारे काम करने के बाद भी आके बेड पे लेट के रील्स देखना होता है। टाइम देख लो तुम कितना हो चुका है। टाइम देख लो अभी 12 बजने वाले हैं और उठने के ठिकाने नहीं है इसके। हालत देख लो इसकी कैसी है अभी। हालत तो मेरी भी देख सकते हो क्योंकि आज है संडे का दिन। आज हम फैला रहे हैं आलसी और इधर तुम्हारा भाई काम सब कर दिया इसने। ऐसा क्या करें यार, भगवान जी ने होशियार बनना सिखाया है, माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया गवारियत फैलाने को। भाई ये देखो तुम्हारा भाई पीटर इंग्लैंड से 3 महंगी महंगी शर्ट खरीद के लाया है। लुक्स में कुछ चेंज आएगा थोड़ा सा, क्या है कि कपड़े लगते अलग मतलब अलग डिज़ाइन के, अलग पैटर्न के, अलग स्टैंडर्ड के पहनेंगे। दिखा क्या दिखा गाइस, देखो मेरे को रील दिखा रही है इसमें। देखो तुम पढ़ लेना रोक के, इतने सारे बच्चे बिठा के एक आदमी जा रहा है वो तो पुलिस वाला कह रहा है भाभी जी को साथ नहीं लाए सर वो प्रेग्नेंट है। इतने बच्चे बिठाने के बाद कह रहा है कि सर वो प्रेग्नेंट है। इसको कितना मजा आ रहा है। लोट पोट हो रही है ये तो, नए नए स्टाइल्स के थोड़े से। हाँ भी जा रहा हूँ ना मार्केट में, लाऊंगा तेरे लिए पोहे, टेंशन मत ले, हम सब भी लेऊंगा तेरे लिए। चुप रहे, अभी जा रहा हूँ बड़े पापा के लड़के को लेने क्योंकि आज हमको घर पे थोड़ी सी रील वगैरह शूट करना है क्योंकि आज है संडे। कपल रील और थोड़ी सी मेरी एक सेपरेट रील शूट करना है तो उसके लिए मैं लेके आता हूँ बड़े पापा के लड़के को। और मैं कह रहा था कि बंद कर कॉपीराइट आ जाएगा, कपड़े वपड़े थोड़े अलग तरीके के पहनेंगे। अभी आ रहे हैं बहुत सारे कपड़े, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करे हैं वो भी आएंगे। बाकी पीटर इंग्लैंड से भी लेके आ गया हूँ मैं और अभी ऐसे ही जाऊँगा बड़े पापा के लड़के को लेने, फिर वहाँ से उसको लेके आके फिर थोड़ा नहा धो के फिर करेंगे वीडियो शूट। रेडी हो जाना, मैं आऊँगा जब तक, है ना? ऐसे ही जवाब मिलेंगे शादी के बाद। भाई नहा धो के ऑल सेट। तुम आज मेरे चेहरे पे ग्लो देख लो, मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहा हूँ आज। और एक और तुम्हें मैं साथ में एक बताऊँ, बोला इधर दिखा भाई, बोला दिख रहा भालू जैसा, जरा शकल देख बोला कैसे चमक रही मेरी। अरे एक नंबर, अब भोला चमकाऊ, भोला को गोरा करूँ। भाई आईफोन की फील है, ले पढ़ने शकल दिखा दे रही। और ये क्या है उधर भाभी? भाभी तो काली पोस हो गई क्या क्या, उसको धूप में ले गया था रील शूट करने के लिए, जैसी काली कलूटी हो गई वो, मतलब पूरा चेहरा उसका काला हो गया गाइस। और मौसम दिखाओ तुम्हें, मौसम देखो बाहर का देख लो तुम मौसम, ये देखो ये घर के बाहर एक नंबर मौसम। और इधर देख लो है ना बढ़िया मौसम। मैं कह रहा हूँ गाइस अभी मैं जा रहा हूँ मेरे सास ससुर के यहाँ पे, क्योंकि मेरे जो ससुर है वो उनकी एक लड़की को बहुत याद कर रहे हैं जिसका नाम है रूपाली। और ओए ये क्या है काई? ये इतना सब काय को पैक कर रही ना। अच्छा मतलब साड़ी वाड़ी सब पैक करके तेरे मम्मी को दे के आई है सब। ठीक है भाई अभी निकलते थोड़ी देर में। मैं कह रहा हूँ बोला आज रील शूट करने में कैसा लगा? एक नंबर, बहुत दिन बाद ऐसी रील। तुम हमेशा मार। अरे यार मैं जब भी कुछ करते रहता हूँ ना, मेरी माँ हमेशा आके मेरे को से टक्कर मार देती है, फिर लग जाती है तो फिर बोलती है मेरे को, और ये क्या कर दिया मेरे को, मार दिया।
समझा लो इसको यार मेरी मम्मी को। गाइस हमारी गली के बच्चे साले पागल हो गए, ऐसे आके मेरे को देख रहे हैं। कहाँ गई, भग गई? क्या हो तू, कोई सेलिब्रिटी है क्या जो तेरे को देख रहे हैं? है क्या है तू? देखते हो हमने क्या कह रहे हैं कि गांव तुम्हारे यहाँ पे सब बच्चे मेरे को पसंद करते हैं और बोलते कि भाभी अच्छी लगती है, तो पता है ये क्या बोलती है कि मैं भी तो बालक ही हूँ। ऐसे करती है, चिप्पी देख रहे यार, ऐसे क्या कर रहे, बाहर खड़ो रहना तरीको। हाँ ऐट है, ऐट ऐट है ऐट, इसमें घमंड है बहुत सारा। क्या हो गए रे, लो तुमको भी ले लिया ब्लॉग में। भाई मेरे घर के बाहर पब्लिक इकट्ठी हो गई है रूपाली को देखने के लिए। इसके फैन देख लो, ये इसके छोटे छोटे फैन। क्यों ये तेरे छोटे छोटे फैन हो ना के क्या तेरे से हो? छोटे छोटे बच्चे इसके दोस्त क्या रे, भगो यहाँ से जल्दी, तुम मेरे फैन नहीं हो, तुम इसके हो, तो निकल लो जल्दी यहाँ से। वो लग देखो कैसे चमका रहा, बोला पत्थर पत्थर मार के देख रहे यार ना, हंस रहे क्या, चूतिया समझ रहे क्या? वो तेरे फैंस उनको क्या बोल दिया इसने, बोला नहीं रूपाली के, क्यों रूपाली के फैंस को उठा के पटाखा जाके जा। हाँ यार ऐसे गाली बाकी तूने अभी ऐसे कैसे फैंस से बोला मैंने, मेरे को लगा ऐसे कैसे, मेरे को ऐसा सुना, मेरे को ऐसा लगा गाली गोली बकदी बोला ने। ले रेडी चले, तो रेडी है भाई, घन का सारा सामान लेके जाती है यार हर बार। मैं तो इसके मारे बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तो स्पीड तो देखो, स्पीड घर जाने की इतनी जल्दी है कि तो ब्रेक पे देखो भाई, हर लड़की बल्दी जल्दी। भाई मैंने एक फोन देखो ये रख लिया इधर जेब में, और ये बड्स रख लिया, क्या रख लिया, एक बड्स की डब्बी रख ली, बाकी पैसा वैसा रख लिया। अब निकलते हैं थोड़ी देर में, मौसम इतना प्यारा होगा ना गाइस, मजा आ जाएगा गाड़ी चलाने में। मैं क्या कह रहा हूँ, गाड़ी चलाएगी तू? गाड़ी चलाएगी? हाँ? गाड़ी चलाएगी? नहीं। ठीक है जी, गाड़ी हम चला लेंगे। बोला चल रहा है क्या तू? नहीं यार मैं क्या करूंगा, मैं नहीं चलता। ठीक है भाई हम ही जा रहे हैं। बोला को तो घमंड आ गया, बोला घमंड आ गया, इसकी रील 3 मिलियन चले गई तो घमंड आ गया इसको। कोई समझा लो इसको कि बेकार लगता है इसलिए मैं नहीं जाता। बोला भैया अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। मेरे ससुराल है, कोई मेरे ससुराल की बुराई नहीं करेगा भाई, ठीक है, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। बोला तेरी मेरी, ठीक है भाई निकलते थोड़ी देर में अपन वहाँ पे। भाई पानी आ गया यार, ये खड़ी इधर हमारी गाड़ी, ये इधर रही बेबी, और देख लो दामनो ड्राइवर के बीच बहुत तेज पानी, और यहाँ खड़े पंप के ऊपर। क्या फंस गए हम पानी में, सारे भाई लोग फंस गए इधर ये पंप के ऊपर। अब ये बंद होए तो हम आगे जाएं, गाड़ी भी गीली हो गई, हाथ भी इधर से गीला हो गया, हाथ में पता क्या, तरबूज और दूध। और एक और चीज़ दिखा दे भाई, मैं लेके जा रहा हूँ मेरी सासू को साड़ी गिफ्ट में देने के लिए, क्या है ये और इसके अंदर इसका भी सामान है। आज देंगे तेरे मम्मी को गिफ्ट, तो देंगे पर वो पानी आ रहा ना, पानी आ रहा है इधर, बंद नहीं हो रहा है। गाइस ये बोल रही थी तुम्हारी गाड़ी गीली हो जाएगी क्योंकि ये देखो ऐसी जगह पे लगी है, वो पानी ना तिरछा बाका आ रहा है। ट्रैक्टर वाला भी आ गया छुपने के लिए, पूरी गाड़ी गीली हो गई गाइस, वालिन दोस्त बना ली, बैठ भी गई जगह देख के। जगह बना के बैठ भी गई, दोस्त भी बना ली, बाल भी खराब हो गए मेरे, गीले हो गए पूरे, सारे भाई देख रहे मेरे को ये क्या कर रहा, तरबूज लेके खड़ा हाथ में। गाइस कोई पानी बंद करवा दो गाइस, रूपाली मैं कह रहा हूँ कोई पानी बंद करा दो गाइस, होगा बंद, होगा रे होगा होगा, चले चले
भाई सारे जाने निकल रहे हैं। कौन सी गाड़ी आ गई? कौन सी लाड़ी आ गई? वो लाड़ी थी जो दिन साथ बैठी थी, वो लाड़ी थी। कहाँ जा रही वो? सामान लेने आए थे खराड़ी की होगा पानी का। मैंने कहा कि क्यों, मैं बोला इधर से जाते हैं बारात लेके, तो मैंने कहा क्यों सम्मेलन में सामान लगता है कि नहीं, तो वो कहाँ रहते, बोले तो मैं तो यहाँ रहती हूँ खराड़ी रहती हूँ, बोले मैं तो सामान ले रहा हूँ। तो लाड़ी आगे सामान ले रहे, वाह यार। चले अपन भी, पानी बंद होगा, चलो भाई चलो चलो भाई चलो, पानी बंद हो जा, हम भी निकले यहाँ से, हमारी गाड़ी का अलग देख लेंगे। कपड़ा दे यार, ये गाड़ी पहुँचने के लिए कपड़ा दे दो, तो फिर ऐसे थोड़ी बैठूँगा मैं, ये रुमाल से पोछ लूँ मेरे, देखा मेरे रुमाल से पोछना पड़ेगा। गाइस हम पानी बंद भी नहीं हुआ और निकल आए, जब हल्की हल्की बारिश हो रही है शायद तुम्हें दिखे, बाकी यार ये व्यू है ना भगवान की कसम बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा। ठंडी ठंडी हवा लग रही है मेरे मुंडके पे, फेस पे, और व्यू भी बहुत एक नंबर आ रहा है, और मौसम पानी के कारण बहुत तगड़ा होगा, बहुत तगड़ा। ये रही अपनी बेबी, 30-40 पे जाते हुए हमारे ससुराल में टक्कर देते हैं अभी जाके सीधे सीधे। गाइस हम आ लिए हमारे ससुराल से, कैसा लगा वहाँ जाके? क्या लगा? बुरा लग रहा है भाई। उधर खड़ी अपनी गाड़ी और ये अपने धामनोद की वीरान सड़कें, हमने सोचा कि अंकल जी के पास से कुल्फी खा लेते हैं। ये रही, मैंने इसको कहा खाएगी, तो कह रही नहीं मेरे को नहीं खाना, घर की याद आ रही वापस से, छोड़ो वापस है, तैयार रहती घर जाने को। क्यों भाई, फाइनली बैक टू होम, ब्लॉग को करते खत्म, ओके टाटा बाय बाय, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है। अभी डेली ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं, थोड़े दूसरी मेहनत चल रही तुम्हारे भाई की, तो पता लग जाएगी कुछ दिन में कि क्या मेहनत चल रही है, बाकी बहुत कड़ी मेहनत चल रही है, बहुत जल्द रिजल्ट आपको पता लगेगा। बाकी फिलहाल ब्लॉग को करते खत्म, मौके डाटा बाय, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, हो सके तो एक दिन में आ जाता है, नहीं तो फिर दो दिन में आ जाता है, नहीं तो फिर तीन दिन में आ जाता है, बट ब्लॉग आ जाता है, और थोड़ा सा कुछ नया नया भी आएगा अभी इस ब्लॉग चैनल के ऊपर, तो देखना, होप करता हूँ तुम्हें वो चीज़ में भी अच्छा लगेगा, और सपोर्ट करोगे इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहे हो, दिल से धन्यवाद आप सभी को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाटल गिर गई, चलो बाय।